ये सिर्फ भरा हुआ नहीं है, ये देखिए पढ़िए, ये चीज पूरा पूरा किया जाएगा। नहीं, में क्या क्या है, वृद्धा पेंशन, बीपीएल कार्ड, कहाँ से दिया है? एक ही बार ना, कोई ठगेगा एक ही बार ठगेगा। ये देखिएगा ना, जो डॉक्टर बता रहे हैं ये सब किया जाएगा। यही सब काम हम लोग के पैठाना नहीं है बाबू, हम लोग के घर में रहने के जगह नहीं है, कुछ नहीं है। अरे अपना लगी जीत रहा है, हम लोग तो वोट दे रहे हैं तो हम ही लोग से ना जीत रहे हैं। हाँ एकदम एकदम। और वोट से जीतने के बाद अगर काम नहीं किया तो उससे बड़ा खत्म आदमी नहीं, बताइए। एकदम एकदम। अरे हम लोग खुशी से दे रहे हैं, आप लोग खुशी से जीत रहे हैं, कुछ हम लोग के करिए तब ना आप लोग का मान दौड़ेगा। तो चाची बीच में हम जो है हम भी पब्लिके थे, लेकिन आज इसीलिए खड़ा हुए हैं। नहीं नहीं ठीक बात है, देंगे देंगे। और ये भी बोल रहे हैं कि सब लोग को मिल के करना है। हाँ हाँ देंगे, हम लोग का पानी सप्लाई वाला एकदम, दो चीज पानी और बिजली तुरंत किया जाएगा। देखिए उधर पानी क्या गया है, हम लोग नहीं सब होगा। और अभी जो आप अपने बारे में बोली ना चाची, ये तो मेरा सबसे प्रथम चीज है। और दूसरा ही हम लोग पानी लावे लगी भटकते रहते हैं बाबू, हम लोग जाते हैं तो गेट लगा देता है, कोई एक बार के पानी नहीं। नहीं नहीं सोल्यूशन इसका एकदम निकालेंगे। नहीं चाची, अच्छा आपको जितना आदमी है आपको देखने से नहीं लगेगा कि ये आदमी जो है कि गलत है? देंगे, आप चिंता नहीं करिए, कहा ना देंगे, देना तो ये है। एक बार बदल के देखिए चाची, नहीं बदलेगा तो आप कहिएगा। इस एरिया में क्या समस्या है बताइए जरा कुछ। समस्या वो समझ रहे, पानी का है, पानी का बहुत समस्या, नाला का है, नाला के पानी के बहुत समस्या है। नल नहीं है क्या? नहीं हमारे पास तो नल नहीं है, पैखाना नहीं है, विधवा पेंशन नहीं मिला। आवेदन की थी आप? आवेदन की थी, फॉर्म भरी थी? कितने बार की है? हुआ मालिक है, जब से मारे तब से किए हैं। किनको दी थी? नंबर भी बताइए चाची, कितना नंबर? 45। हाँ किनको दी थी फॉर्म? किनको दी थी फॉर्म? नहीं कुछ हुआ, डस्टबिन फेंका गया? हाँ वो फेंका गया, वही हुआ। हम लोग के तो कुछ होबे नहीं किया, इतना गरीब आदमी है, पानी में छाल आ रहे हैं, डूब रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। जी पानी लगा रहता है, माल हो जाते हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। किधर किधर ठीक है, इस बार आप मौका दीजिए, इस बार सब चीज का निदान हो जाएगा चाची। ठीक ठीक। हाँ नमस्ते जी, आप पहली बार वार्ड काउंसिलर के पद पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? जी अच्छा तो लग रहा है, देख रहे हैं समस्या कितना सारा हो गया है 10 साल में। सबका निदान करना है और क्या। आपका तो पहली बार इंट्री हो रहा है, समझिए कि राजनीति में इंट्री हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। हाँ। तो इसमें तो दबंग लोग रहते हैं ज़्यादा, सीधे साधे लोग, पढ़े लिखे लोग तो नहीं रहते हैं। जी नहीं, पढ़े लिखे आएंगे तब तो बदलाव होगा, दबंगाई से राजनीति नहीं होता है ना, दबंगाई से क्या करेंगे, गुंडागर्दी थोड़ी करना है, काम करने आए हैं, समाज को बनाने, समाज को सुधारने आए हैं ना, गुंडागर्दी करने तो आए नहीं है। इसमें तो समाज में पढ़ा लिखा ही नेता आएगा तभी काम होगा। इस फील्ड में तो सीधे साधे लोग ज़्यादा नहीं रहते, दबंग लोग ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाले होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं, घुसखोरी करने वाले होते हैं। इस बार पब्लिक बदलाव चाह रही है, बदलाव हो रहा है, इस बार बदलाव होगा और बदलाव होके रहेगा। इस पद पर खड़ा होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको प्रेरणा कैसे मिली? यहाँ की जो 10 साल से हम जो देख रहे हैं व्यवस्था, कोई व्यवस्था में सुधार नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न कुछ तो नहीं है, हम सब चीज़ तो देख रहे हैं कुछ नहीं, इसके लिए मजबूर होके हम लोग खड़े, हर पोल पे लाइट लगवाएंगे, पब्लिक बहुत परेशान। कौन सा वार्ड संख्या सब खड़ी हो रही है? 45 से नाम आशु मिश्रा है। आशु मिश्रा, तो जब हवाई जहाज चिन्ह मिला है, हवाई जहाज चिन्ह जब आप जीतेंगी तो कौन कौन सी समस्या समाधान करेंगी आप? पहले तो इस मोहल्ले का देख रहे हैं, जल का बहुत प्रॉब्लम है, पानी का, उसके बाद सड़क का देख रहे हैं, सड़क भी पूरा सब खराब है। इस मोहल्ले में अतिक्रमण की भी समस्या है, प्राइवेट लोगों की जमीन भी हड़पी जा रही है दबंग लोगों के द्वारा। अच्छा। उसके लिए क्या करेंगे आप? पद पे आने के बाद सबका निदान किया जाएगा, निष्पक्ष किया जाएगा निदान, जिनका जमीन है उनको मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। बिजली चोरी भी होती है जम करके? अच्छा वो सब देखा जाएगा, पहले आदमी जो काम करेगा तब। ओके धन्यवाद।